दूसरी ये रहो, मैं आपको मेरी गाड़ी लगी, मैं इसके ऊपर आपने भाई जान हटा दें। कुछ भाई जान आप क्या काम करते हैं, क्या सर्विस करते हैं? ये डीडीसी कैसे लग गया? ओहो बीवी डीडीसी हो, लेकिन आप क्यों यूज़ कर रहे हो? आप इतने दिन हवा मारे थे, जैसे जैसे हम मक्खी उड़ाते हैं ना वैसे मारे थे पांच बार, नहीं ऐसे सब इसको हाथ इस पे मारे, दोबारा शुरू कर। देखिए इधर गर्दा पड़ा हुआ है, आप कैसे उड़ाएंगे उसको, उड़ा के बताएं। यस ये करना है आप, ठीक है करें शुरू। जोर से ठीक है। तो ये जो है ये बोर्ड आप निकालें, इधर दे रहे हैं। अब देखिए इस पर कार्रवाई होती है, पर मैं कार्रवाई नहीं करूँगा, ठीक है। आपने पता नहीं था पहले, चलो एक बार मौका देना पड़ता है। आप इसको आगे से बोर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, सीट बेल्ट भी पहन देते हैं, ठीक है। ये रखो उधर, ये आज ही नहीं बल्कि नाके हमारे रोज लगते हैं। इसमें ये एक स्पेशल गाड़ी हम कभी कभी बीच में आते हैं, दो तीन बार चलाते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पेरेंट्स से, जो कि अपने छोटे बच्चों को माइनर्स को टू व्हीलर्स दे देते हैं, स्कूटीज़ मोटरसाइकिल्स दे देते हैं चलाने के लिए। इसमें हमारे डी डी ए साहब ने यहाँ पर 6 ऐसी गाड़ियाँ जो हैं सीज़ की हैं, टू व्हीलर सीज़ किए हैं, और उन बच्चों के खिलाफ और उनके पेरेंट्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। याद रहे मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि छोटे बच्चों को टू व्हीलर्स या गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उसको अलाउ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको के माइनर जो है उसके पेरेंट्स को 3 महीने की पनिशमेंट हो सकती है और 25,000 रुपये जुर्माना है। और इसके अलावा जो माइनर इस तरह से पकड़ा जाता है उसको जो है जब 18 साल का होगा और DL के लिए अप्लाई करेगा तो उसको हम DL भी जो है वो इशू नहीं करने देंगे। तो ये कार्रवाई हमने शुरू की हुई है, डेफिनेटली यहाँ पे भी होगी, भद्रवाह और डोडा में भी ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स से और KC से भी कोई ओवर चार्जिंग जो है वो ना करें। ये यात्रा स्टार्ट होने वाली है, माता मचेल जी की यात्रा जो स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें बाहर से आने वाले लोगों के साथ जो है वो कोऑपरेट करें, उनके साथ रेस्पेक्ट के साथ पेश आएँ, ठीक है। और खासकर वो जो है ना करें। देखिए अभी तो हमने 2 छोटी स्कूटी जो है वो सीज़ की है और चलाने की इस वक्त हम 30 के आसपास जो है चलान कर चुके हैं। ये चलानी बढ़ेगी, जब भी हमारे जो मल्टीपल नाकाज लगते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 100 के आसपास चलान हम करते हैं, लेकिन जो चलान कितना है कितना ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि लोग इसमें कितना कॉपरेट करते हैं। ओवरलोडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है इस हिली एरिया में, डोडा किश्तवाड़ में। मैं बार बार ड्राइवरों से भी ये अपील करता हूँ, लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप गाड़ी में ओवरलोडिंग ना करें। लोग जो ज़बरदस्ती गाड़ियों में बैठ जाते हैं, जिसकी सीटें फुल हो चुकी हैं उसमें बैठ जाते हैं, उनसे भी अपील है कि आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। आप अपनी ही जान नहीं बल्कि उस गाड़ी में बैठे हुए बाकी लोग हैं उनको भी आप खतरे में डालें। इसके अलावा ड्राइवरों से मेरी अपील है कि आप अपने कागज़ जो हैं वो कम्प्लीट रखें, जो 6 डॉक्यूमेंट्स बार बार हम रिपीट करते हैं वो आप अपने पास रखें, और स्पीड जो है वो अपने कंट्रोल में रखें, एक्सीडेंट्स वगैरह इस तरह के। सर लोगों की शिकायत रहती है, बिल्कुल इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, और जहाँ जहाँ पे शिकायतें आ रही हैं हम डेफिनेटली वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मालकों के खिलाफ भी कार्रवाई। सर मैं लोगों के लिए जैसे 2 चीज़ें मैंने बताई इनको बार बार रिपीट करें कि जिस गाड़ी की सीटें फुल हैं उस गाड़ी में ना बैठें। दूसरा अपने बच्चों को जो है टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने की इजाज़त नहीं है और वो ना चलाएं। दूसरे जो पर्सनल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनसे मेरी अपील है कि डोडा किश्तवाड़ के एरिया में जब भी आप गाड़ी चलाएँ बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस गाड़ी को 40-45 की स्पीड के ऊपर लेके ना जाएं। आप ये याद रखें कि जो 161,000 लोग इस देश में मर जाते हैं उस लिस्ट में पता नहीं कब किसका नंबर जो है उस लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएगा, उस लिस्ट से बाहर रहना है। तो यही एक तरीके हम सर स्पीड देखिए ट्रैफिक को लेके ये है कि हमारा जो एक एडिशनल अरेंजमेंट जो है गुलाबगढ़ में किया गया है, वहाँ पर थोड़ा रोड एक्सटेंड हुआ है, लंबा 8 से 9 किलोमीटर तक रोड बड़ा है, तो वहाँ पे हमने तकरीबन कोई 10-9 लोग जो है एडिशनल लगाए हैं, तो अच्छा होगा, अच्छी यात्रा अच्छी चलेगी। वी एक्सपेक्ट कि इस बार से इस बार जो है हार्ड टूटेगा और ज़्यादा लोग यात्रा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बाहर से आने वाले जो भी मचेल माता जी यात्रा करने के लिए जो पिलग्रिम्स आते हैं उनसे मेरी बार बार अपील है कि आप
ओवरलोड गाड़ियों में ना आए। जो भी गाड़ी आप हायर करते हैं उसकी फिटनेस ज़रूर चेक करें, आपका हक है फिटनेस चेक करना। उस गाड़ी के टायर अच्छे हैं नहीं है, क्या वो गाड़ी इस पहाड़ी एरिया में चलने के लायक है नहीं है, तो ही उस गाड़ी में बैठें और ओवरलोडिंग ना करें। और आपको ये भी हक है कि ड्राइवर अगर कहीं पर ओवर स्पीड चल रहा है तो आप उस ड्राइवर को ज़रूर बोलें कि आप ओवर स्पीड ना चलें, और ड्राइवर को मोबाइल कम से कम यूज़ ना करने दें गाड़ी चलाते। अगर कोई शिकायत मीडियम क्या है, कोई नंबर शंबर आप शेयर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई भी यात्री है, कोई पिलग्रिम है, कोई ड्राइवर है, कोई भी अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता हो तो वो हमारे इन मोबाइल नंबर्स पे कंप्लेंट कर सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, ये मोबाइल नंबर 9419993745। मैं रिपीट करता हूँ 9419993745। ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का नंबर है, इस पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। डेफिनेटली उस पर ट्रैफिक पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। थैंक यू।